नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। जनपद शिवपुरी के करेरा में आज हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को तोड़ा गया, जिसमें तहसील, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन के अमले की अहम भूमिका रही। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक कांग्रेसी नेता द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी तोड़ गिराया गया। आपको बताते चलें कि जनपद शिवपुरी के करेरा के कॉलेज चौराहे पर आज प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर 5 लोगों की दुकान और मकानों पर जमकर जेसीबी मशीन चलाई गई और अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग की टीम और नगर परिषद की टीम सुबह 11 बजे दलबल के साथ अतिक्रमण गिराने के लिए पहुंच गई थी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीताराम गेड़ा द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण भी तोड़ गिराया गया। अतिक्रमण अभियान में SDM राजन नाडिया, SDOP GD शर्मा, तहसीलदार GS बैरवा, नगर परिषद CMO दिनेश श्रीवास्तव, TI अमित भदौरिया, RI विनोद सोनी, पटवारी राकेश गुप्ता आदि का विशेष योगदान रहा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। ये कार्रवाई किसके कहने पर हुई है सर? ये शासकीय जमीन थी, शासकीय जमीन का अतिक्रमण किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में रेट लगाई गई थी व्यक्तियों के द्वारा, उसमें एक आदेश पारित हुआ है। उस आदेश के पालन में पुनः नोटिस जारी किए गए थे लोगों को, वो जमीन पर नहीं हटाया गया तो बेदखली का आदेश पारित किए गए, जुर्माना किया गया, उसी के तहत हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस नेता का नाम भी शामिल है, तो कहीं बीजेपी के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी द्वारा अतिक्रमण। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी टारगेट करके कार्रवाई नहीं की जा रही है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था, माननीय उच्च न्यायालय में एक आदेश रिट लगी हुई थी, उसमें आदेश पारित किए गए, उस आदेश के तहत जब अतिक्रमण नहीं हट पाया तो कंटेम्प्ट लगाया गया था हम लोगों के खिलाफ में, जब माननीय कलेक्टर महोदय के खिलाफ कंटेम्प्ट लगा हुआ था, उस कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसमें किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा है। कितने लोगों में कार्रवाई की गई सर? अभी जो कागजों में था वो 5 लोगों का खिलाफ अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनके बंटवारे हो चुके हैं, ऐसे लगभग 8 लोग हो जाते हैं अभी यहाँ पर, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इस पर किसी ने जो है हाईकोर्ट में अगर पिटीशन लगाया था, क्या किया था? हाँ, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, PIL लगाई गई, उसके तहत कार्रवाई की। ठीक है सर, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।